हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पठान मूवी से रिलेटेड एक और नई अपडेटेड वीडियो में। तो दोस्तों, पठान ने आज अपना एक वीकेंड पूरा कर लिया है, जिसमें इसने बड़ी बड़ी हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ मूवीज को धूल चटा दी है। बता दें कि पठान ने पहले ही दिन धमाकेदार ओपनिंग कर ली थी और वो आज सातवें दिन भी बनी हुई है। शायद ऐसे ही शाहरुख खान को किंग खान नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सुपरस्टार शाहरुख खान के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली पठान मूवी का बजट 250 करोड़ है, जिसमें आपको शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका और जॉन नजर आए। बता दें कि पठान ने पहले ही दिन हिस्टोरिकल ओपनिंग की थी और 57 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रही थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। और क्रिटिक्स ने भी इसे आउटस्टैंडिंग रिव्यूज दिए हैं और IMDb की बात करें तो उसने भी 6.9 की रेटिंग दी है। और पहले ही दिन इस मूवी ने बाहुबली, KGF और वॉर जैसी हिस्टोरिकल ओपनिंग करने वाली मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और दूसरे दिन भी इसने इतिहास रचते हुए 68 करोड़ की कमाई की थी। और बात करें इसके तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो उसमें हल्का सा ड्रॉप देखा गया, फिर भी इसने 50 करोड़ की कमाई कर रही थी। और शुरुआती तीन दिन में ही यह फिल्म 170 करोड़ से ज़्यादा के क्लब में शामिल हो गई थी। और बात करें इसके चौथे और पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में तो वहां भी इसने 53 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। और बात करें इसके पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में तो इसने संडे का भरपूर फायदा उठाया और वहां भी 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, जहां इसने KGF जैसी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए और 5 दिन के अंदर ही 282 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मूवी बन गई। और बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो अमेरिका में ही इसने 72 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बता दें कि शुरुआती 5 दिन में ही यह दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है और वॉर के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 465 करोड़ को तोड़ दिया है और सुपरस्टार सलमान खान के टाइगर जिंदा है के 540 करोड़ के रिकॉर्ड को भी टच कर लिया है। बता दें कि आज सातवें दिन की एडवांस बुकिंग 10 करोड़ से ज्यादा की देखी जा रही है और यह इंडियन सिनेमा की पहली मूवी बनने जा रही है जिसने शुरुआती 7 दिन में ही 300 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा कर लिया है और आज शाम तक यह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 600 करोड़ के पार पहुंचा देगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।